शायद वो रोटेशनल क्लैश यहाँ पर हो सकता है, नो वन नोज, दे इवन डोंट नो कि सामने कौन सी वो टीम है, बट नॉकआउट के बाद शायद ये पता चल जाए। लेकिन जी गॉड, अभी के लिए सविटार का भी एक नॉकआउट वहां पर, बट नियो शायद जो पहले ही जा चुके थे, यहाँ पर एक 2v1 का स्प्लिट हो गया था वहां पर, जोनाथन ने नियो का भी उनके एक साथ बढ़ रहे हैं, बट अभी के लिए शायद दोनों ही टीम अब फाइट में इन्वॉल्वमेंट डाले क्योंकि सर्कल के एचपी भी लाल है, लेकिन रिवाइवल की जरूरत अंदर बसे हुए। लेकिन ये ग्रेनेड, क्या बात है, बेहतरीन ग्रेनेड का दे पाएंगे या नहीं, स्काउट को बचाना है, पीछे से पुकार भी दहाड़ लगाते हुए, बिकॉज दे हैव गॉट टू सेव स्क्वाड। लेकिन अभी के लिए अपोलो ने कंफर्म कर दिया है, लेट्स सी अपोलो सेंसी नजर आते हुए डीपीएस तरफ, डीपीएस का कमाल, आदित्य स्विच करके भी फिलहाल के लिए सफर देखिए, उतना अच्छा सफर स्टार्ट हुआ नहीं यहाँ पर क्योंकि शैडो के रूप में अपने आईजीएल को उन्होंने सबसे पहले गवाया, और अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ क्लच कॉट को भी शायद होते गवाते नजर आ जाएगा, उनको रिवाइवल मिल पाएगा नहीं क्योंकि पास पे है तो जरूर यहाँ पर, लेकिन पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से व्हीकल का ही सारा लेना पड़ेगा। लेकिन ये फाइट जो है शायद कुछ ही शॉट के अंदर स्टार्ट होने वाली है। सिनेरियो की बात की जाए तो 2v2 का सिनेरियो यहाँ पर, 8 मैट कॉट पास में है, माइटी भी देखिए, लेकिन जोनाथन का वो ग्रेनेड शायद ओके, सी कॉट का वो ग्रेनेड काफी सटीक तक जाएगा, कंफर्मेशन 20 का भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन यही काफी अच्छी चार का आंकड़ा मेंटेन्ड है, मैं हमेशा बोलूंगा, लेकिन इसी बीच गॉड लाइक का स्क्वाड एंगेज करता हुआ जोनाथन इज डाउन, Z-Gon gets down as well and Clutch God gets shut down as well. मौका था वहां पर ग्लैडिएटर्स।